जो पार्ट ए करते हैं आज मैथ्स का और एमसीके पेपर का सॉल्व, ठीक है। पार्ट ए बहुत इजी है, कंप्राइजेस 20 क्वेश्चंस, कैरीज 5 मार्क्स। पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट, ठीक है। कल मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस और टाइम और मैक्सिमम मार्क्स के बारे में डिस्कस कर ही लिया था पार्ट बी में, तो अब हम कर रहे हैं पार्ट ए, ठीक है। और पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएशन का, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। ओके, आपने 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 इसको इवैल्यूएट करना है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे? अच्छा, मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ आइडेंटिटी आप समझो बेटा। यहाँ पर 2x प्लस 1 दिया है, यहाँ पर 2x माइनस 1 दिया है, सो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? दैट वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम ये लगा लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, सो इट विल बी, इसको मैं पहले साथ साथ लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। दिस विल बी 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें मैं a प्लस बी ए माइनस बी लगा लेता हूँ, एंड दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद करके और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट में इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दैट विल बी 4x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। बस अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले 4x स्क्वायर को सबसे करता हूँ, सो इट विल बी 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सो 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विल बी योर फाइनल आंसर। मिल गए 5 मार्क्स इतने ईजिली, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 25x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, आपने इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टराइज का मतलब बच्चों को समझना पड़ेगा, मैंने बताया भी है बच्चों को कि फैक्टराइज का मतलब होता है समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। 25 टू द पावर, तो मैं आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी को हम ए माइनस बी ही लिखते हैं। अभी हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, सिमिलरली अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी यहाँ पर भी आएगा बेटा, और फिर ब्रैकेट में क्या आएगा? फिर ब्रैकेट में वो जो ट्रिक्स मैंने बताई थी बच्चों को आइडेंटिटीज़ वाली, वो देखनी है। देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू टॉफीज, तो ए के पास 2, फिर ए के पास 1, बी के पास 1, फिर फाइनली बी के पास 2। और अगर मैं ऐसे ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 करूँ, तो ये पहले a माइनस बी पहला टर्म आ जाएगा, दूसरे में आप 3 टॉफीज बांटनी है, तो a के पास 3 दूंगा, फिर a के पास एक कम हो जाएगी, एक b के पास आ जाएगी, फिर a के पास एक कम, b के पास 2, और फाइनली b के पास 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है इसमें। तो देखो ना, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को हमने समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख दिया, समथिंग इंटू समथिंग, एंड दिस समथिंग इज टू समथिंग इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में गुणन खंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसके खंड कर दिए हैं समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में, बस अब बहुत ईजी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब हमें क्या दिया है? हमें दिया है 25x टू द पावर 4, ठीक है। हमें दिया है 25x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको मैं पहले इस फॉर्म में बना दूँ, ये कंप्लीट ए टू द पावर 4 नहीं है। ए टू द पावर 4 बनाने के लिए इसे मैं रूट 5 करना पड़ेगा मुझे, रूट 5 टू द पावर 4 25 होगा, रूट 5 का स्क्वायर विल बी 5, फिर उसका स्क्वायर करूँगा तो फिर 25 आएगा। सो दिस विल बी एक्स, पहले लिख लेता हूँ एक्स रूट 5 होल टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। नाउ आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या था? ए माइनस बी, ठीक है। एक डब्बे में क्या था? a माइनस बी, तो x रूट 5 माइनस बी, मतलब माइनस बी वाई। और दूसरे डब्बे में क्या आ जाएगा? a क्यूब, a क्यूब का मतलब है x रूट 5 का होल क्यूब प्लस a स्क्वायर b, x रूट 5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर b, b इज हाउ मच y, देन प्लस ए बी स्क्वायर, a इज x रूट 5 एंड बी स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर, एंड फाइनली प्लस बी क्यूब, बी क्यूब इज वाई क्यूब, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, बहुत ईजी।
समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया, और इसको आप ऐसे कर सकते हैं एक्स रूट फाइव माइनस वाई, और फिर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, दिस विल बी एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी रूट फाइव का स्क्वायर करूँगा तो फाइव आ जाएगा, और एक रूट, तो ये दिस विल बी फाइव रूट फाइव, तो फाइव एक्स क्यूब रूट फाइव, ठीक है, प्लस दिस विल बी फाइव एक्स स्क्वायर वाई, प्लस दिस विल बी एक्स वाई स्क्वायर रूट फाइव, दिस विल बी प्लस वाई क्यूब, ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, ये आंसर, दिस इज़ वन ऑफ द वे, और भी तरीके, अगर बच्चे को ए टू द पावर फोर माइनस बी टू द पावर फोर का फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है, तो ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये टफ लग रहा है कि ये समथिंग इनटू समथिंग सर फैक्टर मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है बनाना, तो वो एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, इसमें कौन सा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना लेते हैं ना, तो वैसे भी हो सकता है ना, तो इसको हम, मैं ऐसे लिख लूँ इसको, ट्वेंटी फाइव फाइव एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी ए माइनस बी, दैट विल बी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने इतना छोड़ा होगा, लेकिन हमने इसको भी फर्दर और फैक्टर्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो जो इससे पहले वाला मेथड था वो थोड़ा सा और डिटेल था, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आपके पास कोई नंबर 12 है तो 12 को आप 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको 2 इंटू 3 लिखा, हमने 6 को भी फर्दर फैक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमने लास्ट वाले में क्या किया था, हमने इसको फर्दर फैक्टर्स में तोड़ दिया था, ठीक है, तो आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, 25 टू द एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर समथिंग इंटू समथिंग, तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास, यू कैन यूज़ एनी ऑफ द तरीका या एनी ऑफ द वे, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोग के लिए, जो इससे पहले वाला तरीका था उसमें हमने थोड़ा सा और डिटेल्ड फैक्टर्स तोड़ दिए थे, ठीक है, चलो लेट्स गो टू नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस का सवाल है, मैं बाकी इरेज कर लेता हूँ, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स, चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमसे, अब थोड़ा सा हमें लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन वाला सवाल है, मेरा डायग्राम बन जाए देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, मोहन वॉक्स 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड 8 मीटर साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, अरे वेरी सिंपल, मैं यहाँ पर यहीं पर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, अब आपको पहले डायरेक्शंस के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, मैं आपको पहले डायरेक्शंस बता दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं डायरेक्शंस बताऊँ, यू शुड नो कि ये तो होता है मेरा हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ठीक है, और अगर कोई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो मैं वही कर लेता हूँ कि मोहन वॉक्स 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से मैं 17 मीटर दे, मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूँगा, मैंने रेफरेंस के लिए डायरेक्शन लिया है, और यहाँ से 17 मीटर मैं कहाँ से जाऊँगा, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, सपोज ये हो गया, ठीक है, 17 मीटर इसी डायरेक्शन में गया ना, सपोज हाँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये कितना है 17 मीटर, सपोज दिस इज पॉइंट ए, अब यहाँ से मैं साउथ की तरफ आऊँगा, तो साउथ बेटा साउथ तो स्ट्रेट नीचे की तरफ है, इफ यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ साउथ, तो यहाँ से मैं साउथ की तरफ आऊँगा 8 मीटर, ठीक है, तो यहाँ से मैं साउथ की तरफ आया 8 मीटर, स्ट्रेट स्ट्रेट 8 मीटर, ठीक है, यहाँ से मैं आया 8 मीटर साउथ की तरफ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन, सो दिस ए पॉइंट वॉज इज इनिशियल पोजिशन, ये 8 इनिशियल पोजिशन था, और यहाँ से ये अब कितना दूर है, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, सो वट वी हैव टू अप्लाई यूनिटरी मेथड, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये सामने आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, आप परपेंडिकुलर और बेस किसे भी ले सकते हो, ठीक है, सो वट यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर, वेरी सिंपल, रिमेनिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सो दिस विल बी 17 स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो दिस विल बी 17 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो बेस स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बी, ए प्लस बी माइनस बी लगा सकता हूँ मैं,
17 माइनस 8 ए माइनस बी इंटू 17 प्लस 8, ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो एजुकेशन. सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17 माइनस 8 विल बी हाउ मच, 9 इंटू 17 प्लस 8 इज हाउ मच, 25. सो बी स्क्वायर कितना आ गया, 9 इंटू 25, और बी कितना जाएगा, हाँ रूट ऑफ 9 इंटू 25, इसका रूट आ जाएगा रूट ऑफ 9 इंटू 25, और 9 का रूट निकल के 3 बार आ गया, 25 का 5 कितना आ गया, 15 व्हाट, मीटर, मीटर में दिया ना यूनिट मीटर, 15 मीटर इज द राइट आंसर. ठीक है, सो आपकी जो डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, ये जो मैंने ए पॉइंट दिया था और ये फाइनल पोजीशन, सपोज ये एफ है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 15 मीटर. सो सिंपल, 5 मार्क्स. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नाउ अगला सवाल पढ़ लेते हैं, क्या है अगला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. अरे शेडेड पोर्शन वाला सवाल है, ठीक है, अच्छे से बच्चे को इसको विजुलाइज करना है इस फिगर को, और फिर हम करते हैं. ठीक है, समझते हुए एकदम अच्छे से, पहले मैं इसको रब कर लूँ जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का ही करा है. ठीक है, दिस वी हैव रब्ड, अब थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ. ओके चल, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. ठीक है, शेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी आपको स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब है चारों साइड सेम होगी, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों सेम है, और वो कितनी 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, ये भी 28 सेंटीमीटर होगी, स्क्वायर है क्योंकि आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ये भी 28 सेंटीमीटर. ओके, और आपको क्या दिया है, बी पी सी इज अ सेमी सर्कल, ये बी पी सी एक सेमी सर्कल है. ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से बी पी सी एक सेमी सर्कल है. ठीक है, ये सेमी सर्कल है दिख रहा है, ये बी पी सी आपको एक सेमी सर्कल दिया है, और ए पी डी एक ट्राइंगल दिया है, ए पी डी आपको एक ट्राइंगल दिया है. ठीक है, ए पी डी हो गया, ए पी बी हो गया, बी पी सी हो गया, सारे चारों ट्राइंगल्स हैं. आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. अच्छा, सबसे पहले आपको अगर निकालना है तो आपको देखो बेटा, व्हाट यू हैव टू डू, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल को हटा दूँ, आप इसको एक बिस्किट मानिए, सपोज अगर ये एक स्क्वायर बिस्किट है, और इस बिस्किट में से अगर आपने ये खा लिया, इस ये सेमी सर्कल वाला पार्ट खा लिया, और अगर ये ट्राइंगल वाला पार्ट खा लिया, मैं इसको ब्लू से दिखाता हूँ. ठीक है, अगर आपने पूरा सेमी सर्कल वाला पार्ट इसको आपने अगर खा दिया, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने ट्राइंगल वाला पार्ट भी पूरा खा दिया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, वो शेडेड पोर्शन. इसका मतलब मुझे, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं टोटल में से, टोटल बिस्किट में से, या टोटल एरिया लिखूँगा यहाँ पर, टोटल एरिया में से मैं क्या करूँगा, टोटल एरिया में से किसको माइनस करूँगा मैं, एक तो सेमी सर्कल वाले एरिया को, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को मैं खा जाऊँगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को मैं खा जाऊँगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी, इसको मैं खा जाऊँगा. ठीक है, अच्छा टोटल एरिया कितना जाएगा, इज इक्वल टू टोटल एरिया कितना जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन स्क्वायर है भैया, साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस, अच्छा एरिया ऑफ सेमी सर्कल बेटा. अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर आप देखेंगे, देखो ये जो सेमी सर्कल है बी पी सी, उसके लिए ये क्या हो गया, ये जो साइड है ये डायमीटर हो गया बेटा, बी सी इज अ डायमीटर, तो बी सी का हाफ विल बी रेडियस, तो रेडियस कितना जाएगा सेमी सर्कल के लिए, 28 का हाफ 14. ठीक है, तो रेडियस कितना जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 28 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा हाफ इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22.7, दिया है आपको एग्जाम के पहले इंस्ट्रक्शन में कि पाई की वैल्यू आप 22.7 देंगे, सो 1/2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 14, तो 14 इंटू 14 कर देता हूँ. ठीक है, हाँ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी. अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी डी कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है बेटा. सी अब ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर में डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, स्क्वायर में क्या करते हैं, डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये मैं आपको येलो से दिखाता हूँ. ठीक है, ये अच्छा येलो इज विजिबल और नॉट, चलो ग्रीन से दिखाता हूँ. ये डायगनल सिर्फ बी पी, बी पी किसके बराबर हो जाएगा, बी पी बराबर हो जाएगा पी डी के, और उसी तरह
एपी किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के। और ये दोनों डायगनल सेम होते हैं बेटा, ये जो बी डी ए और ए सी डायगनल है बहुत आर सेम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें वो सेम बनेंगे, ऑल ट्राइंगल्स विल बी सेम। तो अगर मैं, और ये कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसमें, चार ट्राइंगल। अगर मैं टोटल एरिया का 1/4 निकाल लूँ तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। सो प्लस एरिया ऑफ ए पी डी इज नथिंग बट 1/4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया में से मैं अगर 1/4 निकाल लूँ तो वो कौन सा एरिया आ जाएगा मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। बस रेस्ट इज कैलकुलेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। ओके, 28 स्क्वायर को मैं अभी सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। इसको एज इट इज़ मैं 28 स्क्वायर ही लिखूँगा, 28 स्क्वायर माइनस। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। 7 2s are 14 एंड 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया, ये आ गया 22 into 14, ठीक है। और 22 into 14 आ गया, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, 7 4 से 28 आ जाएगा, 28 into 7 या 7 into 28, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 28 यहाँ है ये ऑलरेडी। अगर मैं यहाँ पर 28 स्क्वायर लिखूँ माइनस, अच्छा इसको मैं 2 into 11, इसको मैं 11 into 2 into 14 भी तो लिख सकता हूँ, और 14 2s are 28, ठीक है, ये तो मेरा 28 है ही, ठीक हो गया। प्लस 7 into 28। अच्छा, इफ आई टेक 28 कॉमन, पहले मैं 28 स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस 28 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 11 बचेगा क्योंकि 2 into 14 28 मैंने भाग ले लिया है, प्लस यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 7, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी इजी कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पर आया 28 स्क्वायर, अच्छा 28 कॉमन लेता हूँ सबसे, ठीक है। 28 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ गया 28 माइनस, ठीक है। 28 बाहर कॉमन ले लिया, 11 प्लस 7 इज हाउ मच, 18, ठीक है। 28 स्क्वायर में मैंने 28 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 28 आया, माइनस 11 प्लस 7 इज 18, तो ये आ गया 28 इंटू कितना, 28 माइनस 18 इज 10, तो आंसर कितना आ गया, 280 एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। यूनिट्स क्या थी, यूनिट्स का भी आपने ध्यान रखना है। यूनिट्स थी आपकी, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स लिखनी भी ज़रूरी है बेटा, आपको सेंटीमीटर में दिया है आई थिंक सो, हाँ एवरीथिंग इज गिवन इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट्स कितनी आ जाएगी, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से एक तरीका क्या था कि आपने आइडेंटिफाई करना है फिगर देखते हुए अच्छे से, ठीक है। फिगर में मैंने क्या देखा, अगर मुझे शेडेड पोर्शन निकालना हो, मैं आपको अगर फिगर अच्छे से दिखाऊँ फिर से, ये जो मैंने खिचड़ी इसमें बनाई है इसको मैं मिटाकर आपको फिर से फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। इस फिगर में आपने क्या निकालना था, शेडेड पोर्शन। तो दिख तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर इस टोटल बिस्किट में से मैं ये निकालूँ, ठीक है, जो निकालना है उसको मैं रेड से करता हूँ। टोटल बिस्किट ये स्क्वायर एक बिस्किट है, और इससे अगर मैं रेड वाला पोर्शन निकालूँ, रेड वाला पोर्शन, ठीक है, ये रेड वाला पोर्शन निकालूँ, और ये रेड वाला पोर्शन कितना है, ये रेड वाला पोर्शन है हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाफ इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर क्या है, रेडियस इज हाउ मच, रेडियस इज 14, तो 14 इंटू 14 ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये निकाल रहा हूँ, ये ट्राइंगल पूरे बिस्किट में से, ठीक है, तो पूरे बिस्किट में से ट्राइंगल कैसे निकालूंगा मैं, इस ट्राइंगल का एरिया कितना जाएगा, दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट 1/4, क्योंकि ये चार ट्राइंगल्स बने हुए हैं ना बेटा। अगर मैं आपको सिर्फ ट्राइंगल्स दिखाऊँगी, देखो ऐसे सपोज़ एक पिज़्ज़ा है और मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट लिया, तो ये चारों हिस्से क्या कैसे बनेंगे, बराबर 1 2 3 4, इसमें लग नहीं रहे बट ये चारों हिस्से बराबर होंगे। तो एक का एरिया टोटल का कितना होगा, 1/4 होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, 28 into 28, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, टोटल एरिया में से इन दोनों के एरिया को माइनस करना है, ठीक है, वही करा हमने। तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, ऐसे 7 2s are 14 2s are 28 2 11s are, तो ये आ गया 11 into 28,
तो इसका एरिया आया हमारा 11 इंटू 28। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप लोग ले, इसका एरिया कितना जाएगा, इसका आ जाएगा 4 7 सा, इसका एरिया आ गया 7 इंटू 28। दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, जो एरिया मुझे माइनस करना है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो कितना आएगा, ये जो रेड वाला पोर्शन जो मैंने बनाया उसका एरिया कितना जाएगा, 11 इंटू 28, ठीक है, इसको मैं अलग से आपको करके दिखा रहा हूँ, प्लस 7 इंटू 28। इफ़ यू विल टेक 28 कॉमन, 11 प्लस 7 एंड दिस विल कम हाउ मच, और ये आ गया 28 इंटू 28 इंटू 18 आ गया, ठीक है, आपका एरिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आ गया, उस रेड पोर्शन का, और ये रेड पोर्शन हमें नहीं चाहिए, किस में से नहीं चाहिए, टोटल में से, टोटल एरिया कितना है 28 इंटू 28, माइनस करूँगा अगर मैं 28 इंटू 18, सो विल गेट आर आंसर, ठीक है, इफ़ आई टेक 28 कॉमन, सो इन ब्रैकेट इट विल कम 28 माइनस 18, सो 28 इंटू 28 माइनस 18 इज हाउ मच, 10, ठीक है, और ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समझे ना, तो उस डायग्राम से मुझे समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट शेडेड पोर्शन। चलो, बहुत डिटेल मैंने आपको बता दिया, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल रेशियो, इसको फिर आउट से निकालते हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, ए इज टू बी इज गिवन टू यू, बी इज टू सी इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, सिंपल, ठीक है, ए इज टू बी इज हाउ मच, 3:7, अलग अलग तरीके हैं बेटा इसको, ठीक है, बी इज टू सी इज हाउ मच, 4:9, ठीक है, और आपको फाइंड करना है ए इज टू बी इज टू सी। तो मैं बच्चों को कैसे सिखाता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, आपको स्कूल्स में सिखाएंगे वो भी ठीक है, मैं कहता हूँ कि जो इसका बी है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों रेशियोज में बी इज कॉमन, ए इज टू बी और बी इज टू सी में, फर्स्ट वाले रेशियो का बी है 7, सेकेंड वाले रेशियो का बी है 4, आपको इन दोनों को सेम बनाना है, अगर दोनों रेशियोज़ के बी सेम हो जाएंगे तो हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे सेम बी, आप इसके बी से इस पूरे दूसरे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, और इसका बी कितना है 4, और यहाँ से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप इसके बी से, तो ये कर दो आप इंटू 4, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रेशियो क्या जाएगा, पहला वाला रेशियो जाएगा आपका ए इज टू बी, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना जाएगा 12:7, 4:28, ठीक है, अच्छा बी इज टू सी, इस पूरे रेशियो को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 28:7, 63। अब देखो अगर आप दोनों के बी देखोगे तो वो सेम हो जाएंगे, इसका बी कितना आ गया 28, इस रेशियो का बी भी कितना आ गया 28, अब आप इसको मर्ज कर सकते हो ए टू बी टू सी, अब आप बी को मर्ज कर सकते हो, तो आ जाएगा 12:28:63, कोई डाउट, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ, अगले सवाल पे जाते हैं, ठीक है, अगला सवाल क्या है, अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, अ बॉक्स ऑफ कैंडीज कैन बी डिवाइडेड इक्वली विदाउट कटिंग, ठीक है, यू कैन नॉट कट कैंडीज, बिना उसको तोड़े, ऐसा नहीं कि आप हाफ ऑफ बांट रहे हो, आपको बिना काटे हुए 2, 4, 9 में आपने बांटना है, और आपने इक्वली बांटना है, ठीक है, 2, 4 एंड 9 में आपने इसको बांटना है, अ बॉक्स ऑफ कैंडीज कैन बी डिवाइडेड इक्वली, ठीक है, सो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज द बॉक्स शुड कंटेन, सबसे मिनिमम कैंडीज क्या होने चाहिए, ताकि मैं अगर 2 में बांटूँ तो वो बराबर बटे, 4 में बांटूँ तो वो बराबर बटे, और 9 में बांटूँ तो वो बराबर बटे, ठीक है, तो नथिंग यू हैव टू टेक द एलसीएम, ठीक है, आप एलसीएम ले लो 2, 4, 9 का, एंड व्हाट विल द एलसीएम विल कम, 2 से करोगे तो 2 1 2 2 9, 2 से करोगे तो 1 1 9, 9 से करोगे तो 9, कितना आ गया 36, अच्छा 36 अब ऐसी नंबर ऑफ टॉफिस है बेटा, अगर आप दो लोगों में बांटोगे तो बढ़ जाएंगी ना बराबर, 18 या 18 में बढ़ जाएंगे दो लोगों पे, 36 इज दैट लीस्ट नंबर जिसको अगर आप बांटोगे तो दो लोगों में बराबर बांट सकते हो बिना काटे, 4 लोगों में भी बराबर बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, कैसे बटेगी, सबको 9 दे दो, 9 9 9 9, ठीक है, सबको अगर आप 9 9 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अगेन ठीक है, 9 9 9 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अगेन बहुत ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी,
और अगर आप नाइन नौ लोगों पे बांटोगे, ठीक है, तो नौ लोगों पे कैसे बांटोगे, फोर फोर करके, फोर 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 फोर, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है इफ 27 ऑफ अ नंबर इज 81 देन फाइंड। अरे वेरी सिंपल, देखो अब ऐसे सवाल भी आपसे बेटा पूछे जा रहे हैं, इतने सिंपल सवाल क्या पूछे जा रहा है। तो ये अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपसे क्या कह रहा है, 27% ऑफ अ नंबर, 27%, तो लेट द नंबर बी एक्स। आप बोलोगे लेट द नंबर बी एक्स, 20% ऑफ अ नंबर का मतलब है 27% ऑफ नंबर ऑफ एक्स इज मतलब इक्वल टू 81, सो 27 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 81। अच्छा 27 थ्री टाइम्स इट विल कैंसिल ना, तो एक्स कितना आएगा 300, द नंबर इज 300, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट वन, फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 411। एक्सक्यूज मी, फाइंड द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, अरे बहुत सिंपल है, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, 9999, दिस विल बी द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, इसको आप 411 से डिवाइड करो, ठीक है, 411 से डिवाइड करो, देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है, एंड तो बहुत आसान है, इसको तो हम कर सकते हैं, तो 411 टू टाइम्स कितना आएगा, 228, और देखेंगे तो यह आ जाएगा 771, फिर 9 ले लो, अब इसको काटो आप 4 से, सो दिस विल कम 4 4 4 4 4 16, ठीक है, 47, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 5 3 1 135 रिमाइंडर है, तो 135, अभी 411 बड़ा नंबर हो गया, अगर 135 में अपने इस लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इट मीन्स दैट फोर डिजिट नंबर विल बी, इट मीन्स दैट लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विल बी largest 4 digit number will be 9999 minus 135, so it will come 4, it will come 6, it will come 8, it will come 8. So 9864 will be your answer, theek hai, very simple, agle question pe aaye beta, ha let's come to next one now। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज 15 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल, ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सपोज दो सर्कल से मेरे एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस मैंने स्मॉल आर दिया और इस सर्कल का रेडियस मैंने कैपिटल आर दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल बड़ा है, इस सर्कल का नाम ए है, इस सर्कल का नाम बी है, ठीक है, तो अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ सर्कल ए, एरिया ऑफ सर्कल ए कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक, अच्छा सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल बी निकालो, एरिया ऑफ सर्कल बी ये भी कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कैपिटल आर आएगा। अच्छा अब आपसे साफ साफ कहा है कि जो बड़े सर्कल का एरिया है वो 15 टाइम्स है छोटे सर्कल से, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जो बड़े वाले का एरिया है इज इक्वल टू 15 टाइम्स 15 इंटू एरिया ऑफ जो स्मॉल सर्कल है, ठीक है, अच्छा पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्मॉल आर, यह आ जाएगा 15/1, ठीक है, या अगर मैं आर अपॉन आर में निकालूँ, ये स्क्वायर है बेटा, आर अपॉन आर निकालूंगा तो आ जाएगा रूट 15/1, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस, ठीक है, तो उनके सर्कमफेरेंस का आपको रेशियो बताना है, बहुत सिंपल है, अगर मुझे सर्कमफेरेंस का रेशियो निकालना है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ए कितना जाएगा, सर्कमफेरेंस सी ए लिख रहा हूँ मैं, 2πr स्मॉल r आएगा, और सर्कमफेरेंस ऑफ दूसरे वाले का कितना जाएगा, 2πr कैपिटल R, ठीक है। अच्छा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यू हैव टू फाइंड द रेशियो, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस, ठीक है, आपने उनके सर्कमफेरेंस का रेशियो निकालना है,
तो सरकमफेरेंस का रेशियो कैसा आ जाएगा बेटा? तो अगर मैं सी ए अपॉन अच्छा ये सी बी है बेटा, ठीक है, दिस वन इज सी बी, ये दूसरा है, दूसरा सर्कल है सी बी, ठीक है। तो अगर मैं सी बी अपॉन सी ए निकालूँ सरकमफेरेंसेस का रेशियो, ठीक है, ये सरकमफेरेंस का रेशियो निकालो, अगर मैं बड़े और छोटे का निकाल रहा हूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर स्मॉल, ठीक है, और 2 पाई विल गेट कैंसिल और ये आ जाएगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमको पता है √15/1, तो सरकमफेरेंस का रेशियोज भी ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, आइडेंटिटी बेस्ड है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा x प्लस वन अपॉन x आपको √5 दिया है, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको, गिवन आपको है x प्लस वन अपॉन x, कितना गिवन है √5, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इफ आई डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं कहूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो यह आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into ए इज एक्स, बी इज वन अपॉन एक्स, इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर इज 5, ठीक है। और यहाँ से फिल नोटिस दिस एक्स एंड एक्स विल गेट कैंसिल, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 5 - 2, दैट विल बी इज इक्वल टू 3, सो 3 इज योर आंसर, ठीक है। सो पार्ट ए का वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और अगले वीडियो में मैं 11 to 20 कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। सो इन दिस वे विल कंप्लीट आवर पार्ट ए, ठीक है। तो आपने देखा कि इट्स वेरी ईजी, ठीक है। किसी भी अगर आपको क्वेश्चन पे डाउट हुआ तो डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू, और प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल जाएं और छोटे बच्चों को बेनिफिट मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट।